पहले तो बोलते थे 400 बार, इस बार 400 बार। कहां गए भाई तेरे 400 बार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे, ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। कांग्रेस अब कभी सत्ता में नहीं आएगी, देश की ये नोट कर लें खैराती कि कांग्रेस एक बार हारने के बाद लगातार जो दूसरा चुनाव जहां जिस प्रदेश में हारी वहां पलट कर कभी सत्ता में आई नहीं। लेकिन अब जब ये हारे हैं तो 2014 हारे हैं, 2019 हारे हैं, 2024 हारे हैं और 2029 के हारने के लक्षण पूरे हैं। वैसे मनी जी आज मैं एक भविष्यवाणी कर दूं, भविष्यवाणी नहीं कर दूं, मैं आने वाले समय का सच बता दूं कि अब कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी। ये जो देख रहे सपना, ये सारे चमगादड़, ये सारे खैराती, ये इसको बहुत अच्छे से समझ ले। अभी कारण भी उसका बता देता हूँ और बड़ा तार्किक कारण बताऊंगा, कोई ऐसा नहीं कि कोई लफाजी वाली बात करूं। हालांकि हम लोग अभी लोकसभा के चुनाव में गलत हुए हैं, वो एक चुनाव हो गया, लेकिन मैं जो इसका जो बताने जा रहा हूं कांग्रेस का कि कांग्रेस अब कभी सत्ता में नहीं आएगी, देश की ये नोट कर ले खैराती। और उसका कारण मनी जी समझिए कि सन 47 के बाद 1950-52 में जो चुनाव हुए और चुनाव के बाद मनीष जी जो पूरे अभी तक चुनाव होते चले आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 18वीं लोकसभा है और उसके अलावा जो विधानसभाओं में चुनाव हुए, कांग्रेस का एक इतिहास रहा है और उस इतिहास को जरा याद करें। ये खैराती कि कांग्रेस एक बार हारने के बाद लगातार जो दूसरा चुनाव जहां जिस प्रदेश में हारी वहां पलट कर कभी सत्ता में आई नहीं। मनीष जी उत्तर प्रदेश बताया दे रहा हूं, 89 में हारी थी, 89 के बाद फिर वो हारी है, दोबारा हारी, तिबारा हारी, तो 89 से आज 2024, पहले उत्तरी प्रदेश से शुरू कर रहा हूं, तो 35 साल हो गए कांग्रेस आई नहीं सत्ता में। हर चुनाव खबर देखते हैं, बिल्कुल अब तो खत्म ही समझिए। और कमोवेश मनी जी वही आज स्थिति आपके बिहार में है, बिहार में भी यूपी और बिहार में, यूपी बिहार में साथ साथ हारे थे, अब वो पिछलग्गू बन के कहीं शामिल हो गए, कहीं थोड़ी बहुत जूठन चाटने को मिल जाती है। तो ये कांग्रेस का इतिहास रहा है और ये जो हमेशा गिनाते थे इनको जरा याद दिलाइए, ये जब भी सत्ता में इन्होंने वापसी की तो एक टर्म तो ये झेल लेते हैं, जैसे 77 में हारे, 77 में चुनाव, 80 में लौट के आ गए, दूसरे चुनाव में जीत के आ गए, तीन साल का गैप रहा, या ये 89 जो जनता दल बना, जनता दल के समय में ये हारे, ये 91 में लौट के आ गए, बीच में समय था, या 96 में हारे, उसके बाद वो खिचड़ी चली पकी, अटल जी आ गए, अटल जी की पूरी सरकार चली 5 साल, ये 2004 में लौट के आ गए। लेकिन अब जब ये हारे हैं तो 2014 हारे हैं, 2019 हारे हैं, 2024 हारे हैं और 2029 के हारने के लक्षण पूरे हैं। तो कांग्रेस ने एक तरह से अपना टिकट खटा लिया है कि अब हमको सत्ता में नहीं आना, और ये इनके जो लक्षण है आपको यही नजर आ रहे हैं, ये जिस तरह की डकैतों वाली भाषा बोला, हत्यारों वाली भाषा बोला कि संविधान की हत्या कर देंगे, वो वहां देशद्रोही भाषा बोला अमेरिका में, तो अगली बार 2029 में गुजरात दोहराया जाएगा, ये मैं आज बोल रहा हूं 2024 में। हालांकि हम फिर कह रहा हूं कि हम लोग का गलत हो गया था, लेकिन ये 5 साल बाद गलत नहीं होगा, नोट करके रख लीजिए। जैसे गुजरात का चुनाव 2017 का बनी जो चुनाव हुआ था तो उसमें भाजपा हारते हारते बची थी, 5-7 सीटों से उसकी सरकार बनी थी, एक तरह से जो बहुमत था उससे 5 या 7 सीटें उसकी ज्यादा थी, और ये लग रहा था कि अरे भाजपा तो हारते हारते बची, और जब दोबारा हुआ तो ऐसा हुआ कि पिछला सारा रिकॉर्ड टूट चुका था। तो वो 2022 का जो चुनाव है तो वैसे ही अब कांग्रेस की दशा होने जा रही है। ये जो कुछ होना था हो गया, अब ये होना था इसमें हो गया, इसमें कई गलतियां थी, चाहे वो भाजपा की भी थी, आरएसएस की भी थी, कुछ चुनाव आयोग में गद्दार बैठे उनकी थी, बाकी कुछ और मिला जुला था, तो 2-4% का जो वोटिंग का फर्क पड़ा उसका नतीजा ये चुनाव था। 2029 में मेरे ख्याल से इतने सक्षम वहां पे राजनेता बैठे हैं दिल्ली में कि अब वो समझ चुके हैं गलतियां कहां हुई हैं। तो 2029 में इनके ऊपर फिर मनीष जी बड़ा तगड़ा हंटर बरसेगा। आपने सर दो ही राज्य का उदाहरण दिया, तो बंगाल का उदाहरण भी भूल जोड़ना होगा, बंगाल का जोड़ना होगा, दक्षिण का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो 62 हाँ, मैंने मनीष जी इसीलिए बताया कि जहां पे ये लगातार 2 चुनाव ये हारे वो वहीं इनकी कमर टूट जाती है, दम तोड़ देते हैं, फिर ये किसी के साथ लटके रहते हैं। तो 2 बड़े राज्य थे, एक आपका आएगा, एक आप संबंधित मेरा संबंधित है, बाकी तो मैंने इसीलिए पहले कहा कि 2 चुनाव ये जहां हारे हो वहां बताइए कहां ये लौट, कहीं नहीं लौट के आए मनीष जी। दक्षिण पूरा साफ, दक्षिण में पूरी तरह से साफ है, ये बंबई में आ जाते हैं जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, तो वो एक के बाद दूसरे चुनाव में जीत के आ जाते हैं। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एक के बाद आए सब जगह,
हाँ, ये एक में आ गए तो आ गए, वरना यदि आप कहें कि दो चुनाव जहां ये हारे वहां बर्बाद हो गए। यहाँ खत्म हो गए, खत्म हो गए, खत्म हो गए। मध्य प्रदेश में कहीं इनके बिल्ली के हाथ लगा था, चीका एक बाघ इसे टूटा था, तो 1.5 साल भी तो नहीं चला पाए, उसका दिन के बाहर हो गए और अब ये बाहर ही रहेंगे। तो ये इस तरह के है, और अब ये 3 बार यहाँ हार चुके हैं, चौथी बार की तैयारी आप बिल्कुल पक्की है। तो कांग्रेस तो बाहर हो चुकी, ये खैराती इसी तरह ही रहे, ये इसी तरह विदा हो जाएंगे इस धरती से, वो कांग्रेस अब सत्ता में नहीं आएगी। सर आपकी इस टिप्पणी से और तार्किक टिप्पणी से तो मुझे लग रहा है कि दो चार खैराती वो बहुत ऐसे करके देखते हैं शो को, वो दो चार तो पता नहीं सुबह देख पाएंगे नहीं अपने आप को, हार्ट अटैक कर जाएगा, क्योंकि खैरात के आस में ही वो बैठे हुए हैं। वो इस कदर और सचमुच, और जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी ने उस कार्यक्रम में कह दिया कि 5 साल बाद मैं फिर आऊंगा जिस जलवे के साथ, और अमित शाह पहले से कह रहे हैं कि अगले बार तो फिर पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, और इन गलतियों से सीख करके वो आएंगे, और फिर इसको समझना जरूर। उस समय वाजपेयी के दौर में तो लोग कहते थे अटल आडवाणी और वाजपेयी के बाद कौन, यहाँ तो लाइन लग गई हुई है पहले से ही, यहाँ लाइन लग रही है। यहाँ तो हेमंता अलग तैयार हैं, योगी अलग तैयार हैं, और बहुत सारे लोग केंद्र में तो कह रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान होंगे, मतलब ऐसे लोग हैं जिस पर पूरे देश को ये लग रहा है कि हाँ ये नेतृत्व मोदी से की तरह दे सकता है हमें, मतलब हताश नहीं है पब्लिक की हाँ ये आडवाणी और शाह उसके बाद क्या होगा, या फिर इंदिरा जी के दौर में कहा जाता था कि इंदिरा के बाद कौन होगा, इस देश की जनता उस तरह से हताश नहीं है कि मोदी के बाद नहीं, क्या नहीं, होगा। नहीं। तो आपने मुझे लगता है कि बेहतरीन उदाहरण दिया है ये हताशा, कांग्रेस को ये वीडियो तो जाना चाहिए, और मुझे कांग्रेसियों से ज्यादा कांग्रेस के खैरात पर पलने वाले चाटुकारों की चिंता हो रही ज्यादा हो रही है, कम से कम बिल्कुल हार्ट अटैक उनको ना हो, हम यही ईश्वर से मनाएंगे। हाँ।